Okay, so now I am going to tell you the difference. Now I am going to tell you the difference between analytical and the graphical method. Okay, so see. Okay, so this is the question. Okay, this is the R element. Okay, and 40 MPa. This one and 20 MPa, this one, and there is a vertical plane. There is a inclined. Inclined plane at angle theta, and angle theta is 30 degree. Okay, and we have to calculate the normal stress, the shear stress, and the principal stresses for this problem. Okay, so now first I am going to tell you with the graphical method, then with the analytical method, because you already know the analytical method with the formula. Okay, so let's see. देखो सबसे पहले क्या करना होता है. ये प्लेन ए बी, ओरिजिन लिया, ओरिजिन से ए बी पे गए, पॉइंट बी डिफाइन कर दिया, क्योंकि एवरी प्लेन रिप्रेजेंट ए पॉइंट. ठीक है, ये प्लेन लिया, गए ओरिजिन से, डिफाइंड करिए दूसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है. ये ओरिजिन था, ओरिजिन से 40 चला, पॉइंट बी आया. ठीक है, ये ओरिजिन से 20 चला, पॉइंट ए आया. ठीक है, ओके, ये सर्कल बना दिया मैंने, दोनों पॉइंट मिल गए, सर्कल बना दो, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद में क्या करना है, ये सेंटर बना दिया. और अब ये प्लेन ए बी से ना, ये एंगल थीटा था, यहाँ पे टू थीटा हो जाएगा. ये देखो, इसको कि यहाँ पे ये थर्टी था, यहाँ पे ये 60 हो जाता है. यानी इस प्लेन से था वो, ये प्लेन, ये पॉइंट ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके थ्रू यहाँ से ये ऐसे कर दो इसको, ये टू थीटा हो जाता है. ठीक है, ये टू थीटा हो जाएगा. उसके बाद में ये जो न्यू पॉइंट आया ना, ये आर पॉइंट, इसको ऐसे प्रोजेक्शन करो, इस पॉइंट कैसे करो, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बता दो, हो गया नॉर्मल. बस आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, ये पहले से पता था कि ये टोटल 40 है एंड ये 20 है. ठीक है, तो टोटल 40 माइनस 20 बचा 20, एंड इसकी रेडियस होगी 20. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 20 प्लस 10. उसके बाद में ये सबको पता रहता है कि जैसे मैं अभी क्या बता रहा हूँ, देखो ये जो था ना, ये चीज़ इसको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे 60 है एंड ये रेडियस 10 है. ठीक है, रेडियस 10 है, तो ये निकालने के लिए 10 cos थीटा कर दो, और ये निकालने के लिए 10 sin थीटा कर दो. ठीक है, ओके. तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 10, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 20, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 10, और ये आगे की जो छोटी डिस्टेंस है, जो अभी मैंने बताई है, ये वाली जो है ना, इतनी, ये है, ये 10 cos 60, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस 35 आ जाएगा. ठीक है ना, ये नॉर्मल स्ट्रेस 35 आ जाएगा. ओके, मैं दोबारा से एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखना. यहाँ से यहाँ तक गए 40, यहाँ से यहाँ तक गए 20, उसके बाद में ये सेंटर आ गया अपना. ठीक है, ये सेंटर आ गया, उसके बाद में ये ऐसे था. ठीक है, तो ये डिस्टेंस 20 पहले से पता थी, ये डिस्टेंस 10 पता थी. अब ये जो अपनी, ये जो डिस्टेंस बची हुई है ना, ये वाली, अगर मुझे ये पता है रेडियस, तो इसको मैं आर कोस थीटा कर देता हूँ, तो ये वाली आ जाएगी. तो बस यही है. ठीक, तो यही है कि ये 20, उसके बाद ये 10, उसके बाद ये आगे की जो बची हुई, ये 10 cos 60, नॉर्मल आ गया. कोई फॉर्मूला नहीं लगा, आपका नॉर्मल आ गया 35. उसके बाद में उसी इंक्लाइंड प्लेन पे टाउ थीटा. अब आपको ये मालूम है कि ये मेरा 10 cos 60 है, तो ये मेरा 10 sin 60 हो जाएगा. ठीक है, तो यही तो मेरा सीयर है, यही तो मेरा सीयर है जो इंक्लाइंड प्लेन पे लग रहा है, और ये आ गया 8.66. कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, कुछ नहीं, एनालिटिकल मेथड में. अभी देखो, अभी इसके कंपेयर को मैं एनालिटिकल मेथड से करता हूँ. देखो
ये 30 डिग्री पे नॉर्मल कितना लगने वाला है, ये देखो नॉर्मल स्ट्रेस बाई एनालिटिकल मेथड, नॉर्मल स्ट्रेस बाई एनालिटिकल मेथड, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू कोस टू थीटा प्लस टो एक्स वाई साथ, इसको जीरो इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई लग ही नहीं रहा है ना सीयर, तो इसलिए इसको जीरो कर दिया। बाकी जब आप कैलकुलेट करोगे 35 आएगा। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर करने की ज़रूरत पड़ी है, ये फॉर्मूला आपने रिमेंबर किया तब आप ये निकाल पाए हो, अदरवाइज आपको मोर सर्कल मेथड पता है, आपने तुरंत 35 बता दिया इसका कि इसका आंसर 35, विद इन सेकेंड्स यू टोल्ड दैट यहाँ इस पे अगर इतना लगा हो तो ये यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो 35 होगा, जस्ट आपने एनालिटिकल में इससे ग्राफिकल मेथड से किया। तो उसके बाद में सेम थिंग इन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूले हुआ करते थे अपने, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, हमें पता है कि सर्कल की जो एक्सट्रीमिटीज़ है ना वो मिनिमम और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये ओरिजन था, ओरिजन यहाँ से सर्कल बन गया, आई एम सॉरी सर्कल अच्छा नहीं बना, ये देखो ये जो है ना ये मैक्सिमम प्रिंसिपल एंड ये मिनिमम प्रिंसिपल, ये 40 था यहाँ से यहाँ तक 40 था, तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल यहाँ से यहाँ तक ये मिनिमम प्रिंसिपल। ठीक है, और मैक्सिमम शियर निकालने के लिए भी आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है इसकी रेडियस, इसकी रेडियस कितनी आई थी 10 आई थी, तो उसको मैक्सिमम शियर बता सकते हो, यानी आपकी जो चार चीज़ें हैं ना, नॉर्मल स्ट्रेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, शियर स्ट्रेस एट ए पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन, ओके नॉर्मल स्ट्रेस एट ए पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन, शियर स्ट्रेस एट ए पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन, प्रिंसिपल मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम शियर, ये आपने विदाउट एनी फॉर्मूला तुरंत बता दिया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड, ओके कि आपको है ना कोई इतना ज़्यादा साइन कन्वेंशन के झंझट में नहीं पड़ना है, कोई इतना ज़्यादा कैलकुलेशन के झंझट में नहीं पड़ना है, सिंपली आपको ये सर्कल बनाना है और उससे ये पांच चीज़ें आप तुरंत बता सकते हो। ठीक है ना, मेरे को नहीं लगता कि अब इसमें कोई डाउट होना चाहिए आपको। ठीक है,